Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So the product that I will be reviewing today is this Swiss Beauty BB cream. Yes, ye hai shiny pearl water drop blemish balm BB foundation from Swiss Beauty. Maine isko mangaya tha Amazon se kuch time pehle and tab se mujhko constant request aa rahi hai. Kafi aap logo se comment aaya ki main isko, you know, iska full demo and review share karun. So here it is today and agar aap isko kharidne ka soch rahe ho, so aaj ki video aap sabhi ke liye helpful hogi. Also main iska pura डेमो भी आपको दिखाऊंगी, सो आप डेमो प्लीज पूरा देखिएगा बिकॉज उसमें मैं इसको दो तरीके से यूज करके दिखाऊंगी सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि ये कवरेज कैसी देता है एंड कैसा परफॉर्म करता है. सो आई रियली होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, सो इसका जो पूरा नाम है विच इज शाइनी पर्ल वाटर ड्रॉप ब्लेमिश बाम बीबी क्रीम, इस पे ऐसा लिखा है दैट इट इज अ प्रोफेशनल स्किन केयर प्रोग्राम थ्रू फंक्शनल ट्रीटमेंट सिस्टम. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स बिकॉज एक बीबी फाउंडेशन तो मेकअप होता है, इट्स नॉट स्किन केयर. इसका प्राइस बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था. आई थिंक मुझको कुछ 180 या 200 के अराउंड मिल गया था. एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी जो अभी करंटली चल रहा है. ऑल्सो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्वांटिटी जो इसमें आपको मिलती है वो है 40 ml. बैक साइड पे इसकी काफी डिटेल्स मेंशन है और उस पर ऐसा लिखा है दैट इट ऑल्सो कंटेन्स एन SPF ऑफ 15. इसमें टोटल 4 शेड्स आते हैं. All are like, you know, fair medium shades. मैंने जो इसमें शेड पिक किया है वो है 04. यही एक डार्केस्ट शेड दिख रहा था जो मुझको मेरे कॉम्प्लेक्शन से मैच होता हुआ लगा. एंड अदरवाइज तो सारे ही शेड्स, यू नो, बहुत ही पेल पिंकिश अंडरटोन में थे. मैं इसको ओपन करती हूँ, लेट्स सी हाउ द प्रोडक्ट इज एंड स्वॉच आपको दिखा देती हूँ कि इसका कैसा है. ऑल्दो लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में. सो दिस इज हाउ द स्वॉच लुक्स लाइक. मैं यहाँ पे पूरा, यू नो, एक फैला लेती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. बहुत ज़्यादा अगर आपका, यू नो, मेरे से थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आई थिंक आपको, आप पे थोड़ा ग्रे लगने लगेगा. सो अब मैं इसको आपको ब्लेंड करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे ग्लो अच्छा देता है. ऑल्दो कवरेज वाइज मैं अभी कुछ क्लेम नहीं करना चाहती, डेमो में ही आपको बताऊंगी. एक और चीज जो मैंने नोटिस की है कि इसमें बहुत ही, यू नो, रिफ्लेक्सेस हैं, गोल्डन रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है. बट इन केस अगर आपको, यू नो, अगर आप बिल्कुल ही लाइट में धूप में खड़े हो जाओगे इसको लगा के तो ऑब्वियसली वो शाइनी थोड़े पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल पॉन्ड्स गोल्ड क्रीम जैसी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एंड शो यू. सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करी हूँ. मैंने दोनों ही साइड्स पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है सो दैट एक इक्वल चांस मिले दोनों ही साइड्स पे. अब मैं इस साइड पे आपको सिर्फ बीबी क्रीम लगा के ये वाली दिखाऊंगी एंड आई एम टेकिंग दिस मच क्वान्टिटी. एंड अब मैं इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे पहले तो स्प्रेड आउट कर रही हूँ एंड लेटर आई विल बी ब्लेंडिंग इट विथ माय फिंगर्स. यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि फिंगर्स से उतना अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो रहा था. इट वाज लुकिंग पैची एंड अनइवन. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू ब्लेंड विथ फिंगर्स. आप अपना एटलीस्ट, यू नो, स्पॉन्ज यूज़ करो या ब्रश यूज़ करो. थोड़े से आप देख ही सकते हो कि फिंगर्स से उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है. सो एंड में मुझे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना पड़ा अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एंड यू कैन सी दी कवरेज. प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बट इट इज़ गिविंग अ मीडियम कवरेज. एज यू कैन सी डार्क स्पॉट्स मेरे दिख रहे हैं उस साइड पे अभी भी. सो नाउ मूविंग ऑन टू दिस साइड. इस पे मैं पहले स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करूँगी टू हाइड एंड कैंसल आउट ऑल द पिगमेंटेशन एंड द डार्क स्पॉट्स दैट आई हैव. सो यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया एंड आई वुड रिकमेंड यू, लाइक, कंसीलर तो बेस्ट है स्विस ब्यूटी का. यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस कंसीलर. आँख बंद करके ले लो, यू विल नॉट रिग्रेट इट. सो मैंने कंसीलर ब्लेंड कर लिया एंड नाउ आई एम पुटिंग द बीबी क्रीम. यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बीबी क्रीम की बहुत ही थोड़ी सी ही क्वांटिटी लगती है. बहुत ज़्यादा मत ले लीजिएगा बिकॉज लाइक आपने लास्ट अभी उस साइड पे देखा मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था. दैट्स द रीज़न ब्लेंड होने में प्रॉब्लम हो रहा था. थोड़ी ही क्वांटिटी लगाइएगा. कंसीलर के साथ थोड़ा सा अच्छा कवरेज मिलता है. आई वुड से कंसीलर इज़ द बेस्ट क्वालिटी एंड दैट्स हाउ इट इज़ गिविंग मी अ गुड कवरेज ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस कंपेयर टू दैट साइड. सो डेमो आपने देख लिया एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी कवरेज. जैसा आपने देखा मेरे को जब मैंने कंसीलर स्विस ब्यूटी का ही वैसे तो यूज़ किया. सो जब मैंने कंसीलर नहीं लगाया था कवरेज आप देख सकते हो बहुत ही लाइट है एंड सारे के सारे मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल थे. जब मैंने कंसीलर लगाया था स्विस ब्यूटी का ऑन दी अदर साइड ऑफ माई फेस तो आप देख सकते थे कि बहुत ही, यू नो, ज़्यादा मेरे फेस पे कवरेज थोड़ी मिल गई थी. सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कवरेज है वो बहुत ही एक शीयर मीडियम कवरेज है. बिल्ड भी आप कर सकते हो बट बहुत ज्यादा फुल कवरेज, हाई कवरेज आपको नहीं मिलेगी. एक टाइम तक एक फाउंडेशन बिल्ड होना बंद हो जाता है और उसके बाद वो केक ही लगने लगता है. बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं करना चाहिए.
सो जस्ट आप इसकी दो लेयर ही लगा सकते हो एंड उससे आपको एक मीडियम कवरेज मिल जाएगी। ओवरऑल अगर आपकी प्रॉब्लमैटिक स्किन नहीं है, जैसे मेरी प्रॉब्लमैटिक स्किन है, बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। आपने जो डेमो देखा था वो मैंने कल शूट किया था, सो उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको लगा के रखा था काफी देर तक, सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लॉन्जिटिविटी एंड मतलब कितना स्टेइंग पावर है बेसिकली। सो ये बहुत ज्यादा स्टे नहीं किया, मैं कहती हूँ कि 4 घंटे तक ठीक ठाक लग रहा था मेरा फेस, बट 4 घंटे के बाद मैं देख रही थी कि ये सेपरेट हो रहा है मेरे नोज के अराउंड पर, यहाँ जहां जहां भी स्माइल लाइन्स है मुझको, सो ये सेपरेट हो रहा था एंड उसके बाद मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर से लगाना पड़ा एंड उसके बाद तो आई थिंक मैंने 6-7 घंटे में मेकअप उतार भी दिया था। बट आई वुड से कि बहुत ज्यादा यू नो लंबे टाइम तक आप इसको एज अ फाउंडेशन नहीं ट्रीट कर सकते हो, इट्स मोर लाइक अ बीबी क्रीम ओनली। सो कमिंग ऑन टू माई फाइनल थॉट्स कि मैं इसको कितना रेट करती हूँ एंड वेदर मैं इसको रिकमेंड करती हूँ, रेटिंग वाइज आई वुड बी गिविंग 6 out of 10। अगर आप कवरेज ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी, या मैं कहूँ बस शीयर मीडियम कवरेज मिलेगी। मेरे जैसी प्रॉब्लमैटिक स्किन है तो आपको वैसी कवरेज यू नो उस हिसाब से आपको ये नहीं खरीदना चाहिए अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है। सो गाइज आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग टूडेज वीडियो, कैसा लगा आपको? अगर आपने ये प्रोडक्ट ट्राई किया है आपके क्या एक्सपीरियंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और भी व्यूअर्स को हेल्प हो सके वेदर और नॉट उनको खरीदना चाहिए कि नहीं। वैसे मैंने तो सारा रिव्यू आपको बता ही दिया है इसका कि कैसा है रिजल्ट एंड एवरीथिंग, एंड यस आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। बाय गाइज।